हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित कुशवाहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर बच्चों आपने यहां तक के लेक्चर देखे हैं इसके पहले के, तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं आज की क्लास में आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। तो बच्चों याद करो, मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या था, मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता है, यानी एटम डिवाइड नहीं हो सकता है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जेजे थॉमसन मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। तो थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम डिवाइड होता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, यानी निगेटिव चार्ज, ठीक है। और उन्होंने गेस किया कि अगर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो उन्होंने अपना मॉडल में बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसे इनका अरेंजमेंट होता है, जैसे कि एटम का स्ट्रक्चर वो क्या हो जाए, तुम्हारा स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज कहां होता है, एटम के सेंटर में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। बट इनके मॉडल में बहुत सारे ड्रॉबैक आ गए थे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो इनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो एटम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, अब इलेक्ट्रॉन को भी तुम न्यूक्लियस के अंदर डाल दोगे तो सिर्फ न्यूक्लियस ही बचेगा, एटम तो रहा ही नहीं वो, ठीक है। अब न्यूक्लियस में जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं कि एटम क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हुआ तो, ठीक है। तो बच्चों यहां तक रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब उनसे पूछा कि बताओ इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के बाहर है तो किस टाइप से अरेंज होते हैं, तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, तो पूछा गया इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है, इसका रीजन नहीं बता पाए थे ये, है ना। फिर एक मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी जिसके थ्रू उनका मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। अभी वो थ्योरी क्या, मैं आपको, मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वाइब्रेट, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा तो वो एनर्जी का लॉस करेगा, ठीक है। और एनर्जी का लॉस करेगा तो इन्होंने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, घूम रहा होता है। और बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। और मैक्सवेल ने बोला था कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा या फिर एक्सेलरेट होगा तो वह एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। अगर एनर्जी लॉस करेगा तो देखो बच्चों क्या होगा, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, यहां पर घूमते घूमते एक टाइम बाद क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और जैसे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो एटम क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, इनका मॉडल क्या हो गया था, मैक्सवेल ने बताया कि चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है ना, तो वो एनर्जी का लॉस करता है, एनर्जी का लॉस करेगा तो क्या होगा, वो पास में आता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और जैसे पास आते थे एक टाइम बस के अंदर गिर गया तो एटम्स कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, यानी वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर इसको एक्सप्लेन किसने किया, बोहर ने एक्सप्लेन किया। तो बोहर मॉडल के बारे में अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है, ठीक है ना। अब वो मॉडल में क्या क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है और वो कैसे होता है वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड के बाद अगर डायरेक्ट हम लोग बोहर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहां तक हम लोग ने देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई है, रेडिएशन के थ्रू हुई है ना, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, एनोड रे से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, अल्फा पार्टिकल से यानी रेडिएशन से किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो इसलिए हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटम को हम लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बोहर और रदरफोर्ड के बीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। जब रदरफोर्ड के बाद इतनी सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग आएंगे बोहर एटॉमिक मॉडल पर, ठीक है। तो रदरफोर्ड के बाद आएगा बोहर एटॉमिक मॉडल, बट उसके पहले मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल तक हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे हम लोगों ने,
ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, एटम को समझना है अच्छे से, तो पढ़ेंगे वेव के बारे में, वेव क्या होती है। तो क्वेश्चन हम लोगों का कि वेव होती क्या है, ठीक है। तो वेव क्या होता है, एक टाइप का डिस्टरबेंस होता है, यानी वेव का काम क्या होता है, एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफर करना होता है। वेव का काम क्या होता है, एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तब तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो वेव कितने टाइप की होती है, तो वेव मेनली दो टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन सी वो भी चलो मैं बता देता हूं। तो वेव देखो दो टाइप की होगी, पहली होगी मैकेनिकल वेव हो गई, और दूसरी क्या हो जाएगी, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। अब देखो मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैं लिख देता हूं, मैकेनिकल वेव क्या होगा, रिक्वायर मीडियम, यानी मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जबकि अगर मैं नॉन मैकेनिकल वेव की बात करूं तो ये क्या होगा, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो देखो बच्चों मैकेनिकल वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आपने एक रोप ले लो, रस्सी ले लो, दोनों एंड से फिक्स कर दो। अब जैसे इसको घुमाओगे तो देखो क्या होगा, तुम्हारा एक वेव बनेगी। तो ये वेव कौन सी होती है, ये मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। अब दूसरा चलो मैं एग्जाम्पल बताता हूं, तुम एक न मान लो तुमने एक तालाब ले लिया, ठीक है ना, तालाब में क्या किया, एक नाव रखी हुई है, मान लो तुमने कागज की एक नाव बना दी, और तालाब में तुम एक पत्थर डाल दो, तो जैसे एक पत्थर मारोगे तो देखो वहां पे एक वेव बनेगी, और वेव जैसे देखो नाव के पास जाएगी, बोट के पास, वैसे बोट ऊपर नीचे होगी। तो उसने क्या किया, देखो वेव के थ्रू एनर्जी क्या हो रही है, देखो ट्रांसफर हुई है, बात समझ में आ रही, देखो वेव बनी उसी से क्या हो गई, देखो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तुमने पत्थर कहीं और मारा, वो एनर्जी ट्रांसफर होकर कहां पहुंच गई, बोर्ड के पास पहुंच गई। तो इस वेव को भी इसको क्या बोलते हो, मैकेनिकल वेव बोलते हो। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जबकि हम लोगों को इस चैप्टर में नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसके वेव के बारे में डिटेल में डिस्कस होगा किसमें, फिजिक्स में, वो फिजिक्स का मेनली पार्ट है। तो हम लोगों को यहां पढ़ना है नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। अब देखो नॉन मैकेनिकल वेव के एग्जांपल में बताता हूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने पढ़ाई थी वो कौन सी वेव थी, नॉन मैकेनिकल वेव थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे, याद आया आप लोगों को। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, वैसे भी हम लोग ये लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अगर डिटेल में इन सब चीजों को देखना है तो आप क्या करोगे, पुराने लेक्चर्स देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं देखो उसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों उन्होंने याद करो ऑर्डर लिखा हुआ था, किसका ऑर्डर लिखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बच्चों वेव और रेडिएशन दोनों सेम चीजें हैं, एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर वेव और रेडिएशन में डिफरेंस क्या होता है, वेव और रेडिएशन दोनों सेम चीजें हैं। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, हम लोगों ने एक पढ़ा था रेडियो वेव थी, सेकेंड क्या थी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, फिर क्या था, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, फिर गामा रेज, एंड लास्ट में क्या था, कॉस्मिक रेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। अब अच्छा ये वाला मैंने बताया आपको याद रखना है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा था, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, इसलिए ये सारी वेव क्या थी तुम्हारी, याद करो ये वेव क्या थी तुम्हारी, हार्मलेस वेव थी, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम लोगों को। बट अगर अल्ट्रा वायलेट के बाद की बात करोगे तो उनकी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा मतलब क्या हो गया, हार्मफुल वेव हो गई। और जब इसको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज किया गया तो देखा गया कि यहां पर वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आ रहा था, ये जो ऑर्डर था वो किसका था, वेवलेंथ का ऑर्डर था, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। और बच्चों देखो, हम लोग कौन सी वेव देख पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कौन सी वेव देख पाते हैं, विजुअल वेव देख पाते हैं, ठीक है। और विजुअल में देखो क्या क्या होता है, आपको याद रखना क्या क्या था, वेव ग्योर पढ़ा आपने, वी आई जी एस बी वाई ओ आर, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लेगा विजुअल में क्या क्या होता है, विवग्योर होता है। अब विवग्योर में पूछेगा कि किसकी कौन सी रेडी कौन सी रेस की जो होती है वो एनर्जी ज्यादा होती है। तो देखो बच्चों, विवग्योर में देखो क्या होगा, वी नीचे आ रहा है ना, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है। और इनमें सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेड वाले की, सबसे ज्यादा किसकी होती है, वायलेट वाले की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फिर उससे कम क्या होगी, इंफ्रारेड की। फिर किससे कम होगी, ग्रीन। फिर उससे कम होगी, ब्लू। फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेड की होती है, ठीक है। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया एनर्जी का। अब एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैं बता देता हूं यहां पर एनर्जी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। तो मैंने पूछा बताओ बच्चों, एनर्जी का ऑर्डर अगर ये है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और एनर्जी सबसे कम किसकी है, रेड वाले की। तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी, रेड वाले की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। और बच्चों आप लोगों ने और भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, तो मैं इस पार्ट को रफ कर दूं, चलो फिर ठीक है। और बच्चों देखो, हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, वेवलेंथ होती है। एनर्जी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ है। यानी मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करूं तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। और बच्चों देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, और बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी किया था हम लोगों ने, है ना, शायद आपको याद होगा अगर लेक्चर देखा होगा आपने। तो वहां बच्चों देखो, मैंने वेव भी बनाई थी ऐसे, देखो वेव बनाई थी मैंने, ध्यान से देख लो, मैं फिर से चलो बना देता हूं। मैंने ऐसे किया था, और वेव देखो क्या होगी, ध्यान से देखना, ये ऐसे वेव बनाई थी हम लोगों ने, ये वेव है ना। चलो बच्चों, सब लोगों को मुझे पता है कि याद है, और आप लोग टाइम से नोट्स ही बनाते रहना साथ में, ठीक है ना, और अपना एक रूटीन तय वो फिक्स करो पढ़ने का। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, मैं फिर से बता दूंगा। तो देखो बच्चों, ये हम लोगों ने बताया था, ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो क्रेस्ट और ट्रॉ की, जो इसकी क्रेस्ट की जो हाइट होती है और ट्रॉ की जो डेप्थ होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया था, वेव नंबर के बारे में डिस्कस किया था, और हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, वेवलेंथ के बारे में। तो बच्चों वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों, चलो मैं एक वेव और बना रहा हूं, इस वेव की देखो वेवलेंथ ज्यादा है। अगर मैं दूसरी वेव बनाऊं, देखो ये मैंने दूसरी वेव बना दी, इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसकी देखो आप बोल सकते हो यहां से लेकर यहां तक की बीच की डिस्टेंस है, जो एक वेव की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। अब ये नहीं मान के यहां से स्टार्ट करोगे तो आपको यहां से यहां तक लेना पड़ेगा, तो दो क्रेस्ट की बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और दो कंसेक्यूटिव ट्रॉ के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। आपको बस सिंपल एक वेव लेना है, चाहे तुम यहां से यहां तक ले लो, चाहे यहां से यहां तक ले लो, चाहे यहां से यहां तक ले लो, इस सबको ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो बताओ बच्चों, इन दोनों में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, ठीक है। और चलो मैं एक वेव और बना देता हूं यहां पर, देखो ध्यान से देखना यहां पर, अब बताना किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ध्यान से देखो, ये देखो, अब बताओ इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी वेवलेंथ और कम है, यहां से सिर्फ यहां तक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, इस वाली वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, ठीक है। तो
तो मैंने पूछ लिया, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। यानी इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, इन दोनों से कम होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इन दोनों से कम होगी। वेव नंबर क्या होता है? एक मीटर में जितनी नंबर ऑफ वेव होती है उसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। जैसे मैं, चलो मैं मान लेता हूं, मैंने माना हुआ है ठीक है कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, एक मीटर है। तो बताओ बच्चों यहां पर एक मीटर में कितनी वेव है? सिर्फ एक वेव है, तो इसका वेव नंबर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। मैंने पूछा बताओ इसमें कितनी वेव है? एक मीटर में दो वेव है, तो इसका वेव नंबर कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। मैंने पूछा बताओ इसमें कितनी वेव है बच्चों? एक मीटर में कितनी वेव है? देखो ध्यान से, एक वेव, दो, तीन हो गया, यहां तक चार हो गया, यहां तक पांच हो गया, यहां तक छह हो गया, तो इसका वेव नंबर कितना हो गया? सिक्स हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस पार्ट को नोट करिए, फिर मैं उसके बाद का पार्ट डिस्कस करता हूं। तो मैक्सवेल ने बोला कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? कुछ रेडिएशन एमिट करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करता है। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो किस टाइप से, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे रिसर्च किया गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है एक्चुअल में ये तीन डायरेक्शन में होती है। देखो मैंने बोल दिया ये एक्स एक्सिस है मान लो, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो देखा गया कि एक्स एक्सिस पे क्या थी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें क्या थी, एक डायरेक्शन में क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो एक्स एक्सिस क्या थी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन कहां था, वाई डायरेक्शन में मैंने मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन कहां होता है, ये बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, जेड डायरेक्शन में हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होता है, ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कंपोनेंट है क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर रिसर्च की गई और ये देखा गया कि वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूसरी डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और तीसरी डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव होता है। ठीक है, यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 का एंगल होता है। जैसे ये एक एक्स डायरेक्शन है, ये वाली वाई डायरेक्शन है, तो ये हो गई जेड डायरेक्शन। तो तीनों लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है, तो जल्दी से आप इस पार्ट को नोट करिए। और इसके पहले तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे डाउट पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा आपसे नीट और जेई में पूछी नहीं जाती है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस उस टाइम पे नहीं किया था। ठीक है, मैंने सिर्फ वो चीजें डिस्कस की थी जो बोर्ड के एग्जाम में या फिर आपसे नीट या जेई में पूछी जाती है। आपको अगर जानना है तो मैंने आपको यहां तक समझा दिया कि कैसे क्या होता है, तो जल्दी से नोट करिए आप इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज कलर शो कैसे करती है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने डाउट पूछा हुआ है, तो देखो मैं क्लियर कर देता हूं कि कोई भी चीज कलर दो वजह से शो करती है। देखो मैं आपको वन बाय वन दोनों बताता हूं। कलर शो करने के दो रीजन है, कौन से, एक रीजन है एब्जॉर्प्शन का, और दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा एमिशन का। तो देखो मैं वन बाय वन पढ़ाता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं एब्जॉर्प्शन की वजह से कैसे कलर शो होता है। ठीक है, तो कलर शो कहता है होता है एब्जॉर्प्शन की वजह से, मैं ये समझाने जा रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों देखो पहली बात, हम लोग कौन से कलर को देख सकते हैं, क्या चीज देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, उसमें से सिर्फ हम लोग एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख सकते हैं, कौन सी, जो विजिबल रेंज में आती है। ठीक है, और विजिबल रेंज के ऊपर जो थी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जबकि वेव ये होती है बट दिखती नहीं है। विजिबल रेंज के नीचे क्या क्या आती है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, इनको भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ किसको देख सकते हैं, विजिबल रेंज को देख सकते हैं, मतलब विव ग्योर को ही देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लो इस चीज है, ये कलर कैसे शो करती है। ठीक है, अब देखो ये कोई चीज रखी हुई है, तुम जैसे मान लो कि बॉडी मान लो, या फिर मुझे मान लो, ठीक है ना, कोई भी चीज मान लो आप, तो ये बच्चों
एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, अब यहां से देखो, यहां से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। लाइट मतलब क्या हो रही है, देखो यहां पर देखो लाइट कैसी होगी, लाइट आ रही है। लाइट मतलब आ रहा, लाइट के अंदर क्या होगा, विभ्योर होगा, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहां से व्हाइट लाइट जैसे उसमें पड़ती है, अब व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है, ये कलर होते हैं, और इन कलर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ता है, अगर इस ऑब्जेक्ट ने इसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, तो जैसा आएगा वैसे ही निकल जाएगा, यानी क्या होगा, ये ऐसे कैसा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी अब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, जैसे इसको देखोगे तो किस कलर का दिखेगा, इसका कॉम्बिनेशन व्हाइट होता है, मतलब यहां पे क्या होगा तुम्हें, व्हाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। यानी सारी सारी लाइट को क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पहला केस था। अब मैंने बच्चों देखो दूसरा केस लिया, मैंने दूसरा केस क्या लिया, सपोज करो उसने सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो मैं लिख दे रहा हूं सेकंड केस में क्या लिया, ऑल लाइट क्या कर दी उसने, एब्जॉर्ब कर लिया। अगर वो सारी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तब वो कौन सा कलर शो करेगा, तब वो ब्लैक कलर का शो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ब्लैक कलर का शो करता है, अगर वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है तो व्हाइट कलर का शो होता है, ठीक है। अब थर्ड केस, अगर मान लो उसने क्या किया, थर्ड केस से मैंने मान लिया कि उसने मान लो ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहां पर क्या होगा, वी मिलेगा, आई मिलेगा, जी मिलेगा, वाई मिलेगा, ओ मिलेगा, आर मिलेगा, लेकिन यहां पर देखो बी नहीं मिलेगा। बी क्या है, यहां पर मिसिंग हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी वाला क्या हो गया है, इस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्वेश्चन ये कि वो एब्जॉर्ब करके करेगा क्या, मान लो ब्लू कलर की लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया इस ऑब्जेक्ट ने, अब वो उस लाइट का क्या करेगा। तो ये अगर आपको समझना है तो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, या फिर बोहर मॉडल के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए आप वेट करो कि ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब करके इसके अंदर क्या चेंज होगा, वो मैं बात पढ़ाऊंगा जब बोहर मॉडल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर मान लो इसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये ऐसा ये कलर आ जाएगा। अब देखो, अब ये ऐसा नहीं कि ब्लू कलर का शो करेगा, इसने ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है तो ब्लू शो नहीं करेगा, अब शो क्या करेगा, इनके कॉम्बिनेशन से जो कलर बनेगा, है ना, इनके कॉम्बिनेशन से जो कलर बनेगा वो कलर शो होगा, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर बनेगा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर बनेगा, वो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। तो एब्जॉर्प्शन वाली बात आपको समझ में आ रही अच्छे से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कलर शो करता है दो रीजन से, एक एब्जॉर्प्शन की वजह से, एक एमिशन की वजह से। तो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट में बता रहा था, अगर उसने कोई भी लाइट का कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो व्हाइट कलर होगा, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाइट होता है। अगर सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए तो ब्लैक कलर, अगर उसने कोई भी एक या दो या तीन कलर एब्जॉर्ब कर लिया तब क्या होगा, जो भी कलर बचेगा उसका कॉम्बिनेशन शो करेगा, और इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। तब तक आप लोग वेट करो। और अगर ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो इस लाइट का क्या करेगा, ब्लू कलर का वो करेगा क्या, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल में। तब तक आप वेट करो, क्योंकि मैं आपको बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको यहां बता नहीं रहा हूं। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस कर दिया, तो अब देखो मैं सेकेंड पार्ट इसी को पढ़ाता हूं, कि कोई भी कलर शो करता है इमिशन की वजह से भी शो करता है, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने बोला कि सर आपने बताया कि एब्जॉर्प्शन के बारे में बता दिया, अगर मैंने चलो लिया कि आयरन ले लो बच्चों, जैसे आप आयरन लोगे, आयरन को हीट कर दो, आयरन को हीट करोगे तो क्या होगा, वो रेड कलर का शो होता है। पहले रेड कलर का शो क्यों होता है सोचो, आप देख किसको सकते हो, सिर्फ विजिबल को देख सकते हो आप लोग, है ना, जो विजिबल रेंज में जो आती है वेवलेंथ, विजिबल रेंज में जो कलर आते हैं सिर्फ आप उसको ही देख सकते हो, बाकी किसी को देख नहीं सकते हो। अब विजिबल रेंज में क्या क्या आता है, अभी हम लोग ने पढ़ा विभ्योर पढ़ा, इसे पता बच्चों एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो ये ऑर्डर किसका होता है, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है, ठीक है।
तो अगर मान लो बच्चों आयरन को तुम हीट करते हो, तो हीट करना मतलब एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी दोगे तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, आयरन रॉड की क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, देखो इसके पहले कोई क्या कलर दिखेगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इन रेस को तुम देख नहीं सकते हो क्योंकि विजिबल रेंज में नहीं आती है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है ना उनको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। इस वेवलेंथ में आते हैं इसको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, हम लोग सिर्फ किसको देख सकते हैं जो विजिबल रेंज में आता है, ठीक है। अब बच्चों देखो, जैसे आप आयरन को हीट करोगे, आयरन को हीट करने पे क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना, तो धीरे धीरे बढ़ेगी तो पहले कम एनर्जी होगी फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो देखो बच्चों सबसे पहले देखो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ाओगे सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेड की होती है। इसलिए जो आयरन को जब हीट करते हो, पहले तो आयरन जो कलर शो कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है, पहले वो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन की वजह से कलर शो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने मान लो उसको हीट करना स्टार्ट किया, अब हीट करोगे तो क्या होगा, उसका कलर चेंज होता है, देखो रेड कलर का होने लगता है। रेड का कैसे होता है, अब वो जो कलर शो कर रहा है वो एमिशन की वजह से कलर शो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं कर रहा है, रेड कलर वो एमिशन की वजह से कर रहा है, ठीक है। तो देखो एमिशन की वजह से कैसे कर रहा है, मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे जैसे आप उसको हीट करोगे तो पहले क्या होगा, सबसे कम एनर्जी होगी, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी, तो सबसे कम एनर्जी क्या है, रेड कलर की है, इसलिए पहले वो रेड कलर का ही होता है आयरन। हीट करते जाओगे तो क्या होगा, पहले वो रेड कलर का होगा, धीरे धीरे हीट करते जाओगे एक बार इसको रेंज में आ जाएगा, ठीक है ना, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, एक टाइम बाद बहुत हीट कर दोगे तो आयरन भी व्हाइट कलर का होने लगेगा, ठीक है। तो जो वो कलर शो करता है वो एमिशन की वजह से शो करता है। जैसे मैं देखो एग्जांपल और बताता हूं, मान लो गर्म आयरन की रॉड है, उसको इस रूम में ले आओ, रूम में अंधेरा कर दो, तो अंधेरा कर दोगे फिर भी क्या होगा, आयरन का जो गर्म आयरन है ना, आयरन की रॉड, तो रेड कलर का शो होगा, तो वहां तो कोई लाइट नहीं आ रही है, तब वो रेड कलर का क्यों शो हो रहा है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन की वजह से कलर शो नहीं कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, एमिशन की वजह से कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो एमिशन मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो मैंने आयरन दिया, ठीक है, ये आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर नीचे से हीट कर रहा हूं, ठीक है। तो हीट करते रहोगे यहां पे मैं हीट करता जा रहा हूं, तो जैसे हीट करोगे क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और रेड कलर का यानी ये क्या होगा, देखो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहां पर क्या होगा, ये हीट को रिलीज करेगा, और आयरन की रॉड अगर गर्म है तो ठंडी होना चाहेगी, तो ठंडी होने के लिए क्या करेगी, उसको एनर्जी का ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब वो एनर्जी का ट्रांसफर किसमें करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करेगा। वेव क्या होती है, जो एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने। यानी यहां से क्या होगा, जब ये रेड कलर का रॉड, देखो मैं लिख देता हूं, रेड हॉट आयरन, तो जब हीट करोगे तो आयरन क्या हो जाएगा, रेड हॉट आयरन हो जाएगा। अब जब ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा, तो ठंडा होने में क्या करेगा, ये एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, ठीक है, एनर्जी का लॉस करेगा, और किस फॉर्म में करेगा, वेव के फॉर्म में करेगा। कौन सी वेव के फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव और रेडिएशन सेम होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये एनर्जी का लॉस करेगा, ठीक है। अब ये क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो आप लोग पहले इस पार्ट को जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं, फिर अच्छे से मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं।